नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार को एक नए बिजली घर के साथ साथ बिहार में जो है 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की शुरुआत हो जाएगी। बिहार में नवीनगर बिजली घर की तीसरी यूनिट अब बनकर तैयार हो गई है। अब इस यूनिट को सिंक्रोनाइजेशन यानी कि ग्रिड से जोड़ने का काम पूरा होते ही बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 26 जनवरी से इस यूनिट की लगातार 72 घंटे का ट्रायल शुरू किया जाएगा। शुरू होने के बाद से इसके व्यावसायिक उत्पादन होने लगेगा। बता दें कि 660 मेगावाट की इस यूनिट से बिहार को फरवरी तक 559 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। आपको बता दें कि नवीनगर बिजली घर में 660 मेगावाट की 3 यूनिट है। इसमें से 2 यूनिट पहले से ही काम कर रही है। इससे प्रदेश में 1000 से अधिक मेगावाट की बिजली मिल रही है। तीसरी यूनिट की शुरुआत की जा रही है। अब तीसरी यूनिट को भी ग्रिड से सिंक्रोनाइज का काम पूरा कर लिया गया। इसके बाद तीसरी यूनिट का प्रारंभिक ट्रायल रन शुरू हो रहा है। फिलहाल यहां से 351 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस यूनिट को लेकर कहा जा रहा है कि इस यूनिट को पूरी क्षमता जो है 660 मेगावाट तक हो जाएगा। ऐसे में कोशिश यह है कि 26 जनवरी से इसे फुल लोड के साथ यानी कि 660 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ 72 घंटे तक लगातार चलाया जाए। कहा गया है कि 3 दिनों तक फुल लोड में चलाने के बाद ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकार व्यावसायिक उत्पादन की मंजूरी देगा। इसके साथ साथ बिहार में 559 मेगावाट की बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इस हिसाब से देखें तो बिहार को 1124 मेगावाट बिजली मिल रही है। उम्मीद है कि अगले महीने से तीसरी यूनिट में भी बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। तब तक प्रोजेक्ट के कुल वाणिज्यिक बिजली उत्पादन का 1980 मेगावाट हो जाएगा। इसमें से बिहार कुल हिस्से का 1683 मेगावाट होगा। इसके अलावा 10% बिजली उत्तर प्रदेश को, 4% बिजली झारखंड को तथा 1% बिजली जो है वो सिक्किम को दी जाएगी। NTPC पूर्वी क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक विजय सिंह ने बताया कि नवीनगर परियोजना में 19,412 करोड़ खर्च हो रहे हैं। बिहार की बेहद महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत 660 मेगावाट की 3 इकाइयों बननी थी। 2 इकाइयाँ वाणिज्यिक उत्पाद कर रही हैं, जिसमें से 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। बिहार सरकार के साथ हुए करार के तहत इस प्रोजेक्ट से निर्मित बिजली का लगभग 85% हिस्सा बिहार को दिया जा रहा है। ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि नवीनगर की 3 यूनिटों से बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद बिहार बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। इससे प्रदेशवासियों को बिजली की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। नवीनगर का जो तीसरा फेज है उसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद से जो है बिहार को 559 मेगावाट की बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।